नमस्कार, चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज दिन भर की सभी ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। घरेलू निवेशकों को साधने के लिए टीम योगी का चंडीगढ़ में रोड शो, 34 उद्यमियों से B2G मीटिंग। जी हाँ, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घरेलू निवेशकों को साधने में जुटी टीम योगी आज चंडीगढ़ में रोड शो कर रही है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड धर्मेंद्र प्रजापति के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का एक दल रोड शो के लिए चंडीगढ़ गया है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में महिला को लिफ्ट देना जेई को पड़ा भारी, हनी ट्रैप में फंसा कर बैठे हजारों रुपए पुलिस ने तीन को दबोचा। जी हां, उत्तर प्रदेश की मथुरा में जेई को एक महिला को लिफ्ट देना भारी पड़ गया। महिला ने इंजीनियर को हनी ट्रैप में फंसा कर हजारों रुपए ऐंठ लिए। जब यह मामला डायल 112 तक पहुंचा तो पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन लोगों को दबोचा है। बता दें कि पीड़ित जेई की तहरीर पर हरियाणा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में सीटेट एग्जाम सेंटर से गिरफ्तार सालवर ने उगले कई राज, ऐसे बर्बाद हुआ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा छात्र। जी हां, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में मूल अभ्यर्थी शुभम और उसकी जगह परीक्षा दे रहे सालवर मनीष यादव को एसटीएफ ने आज गिरफ्तार किया है। मनीष बिहार से आया था। बता दें कि एसटीएफ के एसएसपी विशाल विक्रम सिंह ने यह बताया है कि परीक्षा केंद्र सुल्तान फाउंडेशन बंथरा से सालवर मनीष कुमार खरवार व अभ्यर्थी शुभम यादव को गिरफ्तार किया गया। गणतंत्र दिवस पर ही मायावती ने योगी सरकार को घेरा, बोली दावों और जमीनी हकीकत में है बड़ा अंतर। जी हां, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने गणतंत्र दिवस के दिन योगी सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार दावे के साथ ही विकास रिपोर्ट जरूर दे ताकि जनता में आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हो, साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह केवल रस्म अदायगी न रहकर वास्तव में यादगार और ऐतिहासिक भी बन जाए। वहीं कहा है कि वास्तव में जनहित और विकास के सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में काफी अधिक अंतर होने से ही जनता व सरकार के बीच विश्वास की कमी बढ़ती ही जा रही है। मायावती ने गणतंत्र दिवस पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को अपने व पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामना भी दी। इंडस वाटर संधि में संशोधन चाहता है भारत, पाकिस्तान को दिया नोटिस, कहा मजबूर किया। जी हां, इंडस वाटर संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। खबर है कि 8 दशक से ज्यादा पुरानी इस संधि को लेकर भारत की तरफ से पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में संधि में संशोधन की मांग की गई है। बता दें कि साल 1960 में इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि यह नोटिस इस्लामाबाद द्वारा संधि को लागू करने को लेकर अपने रुख पर अड़े रहने के कारण जारी किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य का आरोप, स्वामी प्रसाद के रामचरितमानस पर दिए बयान के पीछे अखिलेश का है हाथ। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर हमला बोला है। केशव ने कहा है कि ऐसे बयान के पीछे अखिलेश यादव का ही हाथ है। वहीं अखिलेश सोचते हैं कि वो दोनों हाथ में लड्डू लिए हैं, मगर वो नहीं जानते कि ये लड्डू नहीं अंगारा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सांड से बचने के चक्कर में कुएं में गिरी दो चचेरी बहनें, मौके पर ही। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शौच के लिए निकली दो चचेरी बहनों रहस्यमय परिस्थिति में कुएं में गिर गई। इस घटना से ग्रामीणों में खलबली मच गई। आनंद फानंद में रस्सी डालकर दोनों बहनों को कुएं से निकाला गया, लेकिन तब उनकी सांसें थम चुकी थी। इस घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद कहा है कि सांड से बचने के चक्कर में भागी दोनों बहनें हादसे का शिकार हुईं। उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन चाहने वालों को राहत, फिलहाल नहीं बढ़ेगी दरें, उपभोक्ता परिषद ने जताया था विरोध। जी हां, नए बिजली कनेक्शन की दरें फिलहाल नहीं बढ़ेंगी। पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कॉस्ट डाटा बुक के तहत नए कनेक्शन की दरों में 15 से 20% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी नहीं मिल पाई है। प्रस्ताव में कई खामियां होने के चलते पावर कॉर्पोरेशन अब इसे लेकर विद्युत नियामक आयोग में नया प्रस्ताव दाखिल करेगा। उपभोक्ता परिषद ने कनेक्शन की बढ़ी दरों पर मंथन के लिए आयोजित बैठक में कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के सरोजिनी नगर सैनिक स्कूल में सीएम योगी ने कहा, परीक्षाओं को एक रूटीन वर्क के रूप में ले। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सरोजिनी नगर स्थित सैनिक स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने निपुण भारत में मिशन के तहत विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, साथ ही हाई स्कूल व इंटर में सर्वोच्च अंक पाने वाले 1698 मेधावियों का सम्मान और टेबलेट वितरण किया। उन्होंने पीएम द्वारा लिखी तनाव मुक्त परीक्षा के लिए
स्तरीय एग्जाम वॉरियर्स किताब भी विद्यार्थियों को वितरित की। उत्तर प्रदेश में पठान के लिए ऐसी दीवानगी देखी नहीं, बलिया के थिएटर में सीट के लिए हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जी हां, बॉलीवुड में किंग शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, कहीं पर थिएटर से खाली मिले तो कहीं सीट तक के लिए लड़ाई हुई। यूपी के बलिया में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। सिनेमा घर में दर्शकों की भारी भीड़ जुट रही है। ज्यादा भीड़ होने के कारण सीट पर बैठने को लेकर दर्शकों में विवाद तक देखने को मिला। शहर के मालगोदाम रोड स्थित एक सिनेमा हॉल में पठान फिल्म देखने के दौरान सीट पर बैठने को लेकर दर्शकों के बीच हुई हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पलटी यात्री से भारी बस, मची चीख पुकार। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से बरेली के कासगंज जा रही एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 12 यात्री घायल हुए हैं। पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दसवीं पास के लिए गृह मंत्रालय में नौकरी, देहरादून कैंटेनमेंट बोर्ड में टीचर बनने का शानदार मौका, मिलेगी 1.5 लाख सैलरी। जी हां, सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दसवीं पास स्टूडेंट्स गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरो में 1675 और MPESB यानी मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली फॉरेस्ट और फील्ड गार्ड के 2112 पदों पर आवेदन कर सकती है। आज 278 दिन बाद रिहा हो सकता है आशीष मिश्रा। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली थी सशर्त जमानत, 1 हफ्ते के अंदर यूपी दिल्ली छोड़ना होगा। जी हां, लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की 278 दिन बाद आज रिहाई हो सकती है। आशीष को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते यानी 2 महीने की सशर्त जमानत दी है। खबर है कि 7 दिन के अंदर आशीष मिश्रा को यूपी और दिल्ली छोड़ना होगा। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट, आज से फिर बदला मौसम, सर्द हवाएं चलेंगी, औसत से 10 डिग्री तक गिरेगा पारा। जी हां, यूपी में आज फिर मौसम बदला। हिमाचल से आ रही ठंडी हवाओं ने गलन को बढ़ा दिया। मौसम विभाग ने तापमान में औसत से 10 डिग्री तक गिरावट का अनुमान जताया है। वहीं पूरे यूपी में अगले 4 दिन यानी 30 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज और कल कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना नहीं है। यूपी में सामने आई रहस्यमय बीमारी, 8 भर्ती 1 लोक चल बसे, कोयली की तरह काला हो जाता है शरीर और उंगलियां टेढ़ी। जी हां, लखनऊ से 178 किमी दूर शाहजहांपुर जिला है। यहां बाड़ा गांव में एक परिवार के 8 लोगों को गंभीर बीमारी हो गई है। ऐसी बीमारी जिसमें लोगों के शरीर का रंग लगातार काला पड़ता जा रहा है, शरीर में जलन हो रही है, हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो जा रही हैं, कुछ समय बाद हाथ पैर की नर्व डैमेज हो जाती हैं, फिर वो काम करना बंद कर देती हैं। बताने की इसी बीमारी से 16 जनवरी को परिवार की एक बेटी चल बसी थी, बाकी अस्पताल में भर्ती हैं। 20,000 लीटर LPG से भरा ट्रक पलटा, 5 घंटे रिसाव, बस्तियां खाली कराई, 6 किलोमीटर लंबा जाम, माचिस न जलाने का अनाउंसमेंट। जी हां, आगरा में हाईवे पर LPG से भरा टैंकर पलट गया, टैंकर से गैस का रिसाव होने लगा, 0.5 किलोमीटर तक गैस की गंध फैल गई, आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मोर्चा संभाला और बिजली सप्लाई बंद करवाई, उसके बाद लोगों से माचिस न जलाने का अनाउंसमेंट करती रही। बता दें कि कुल 5 घंटे तक इत्मादपुर में हाईवे पर गैस रिसती रही, 6 किमी लंबा जाम लगा रहा। जानकारी के लिए बता दें कि मथुरा से फरकाबाद जा रहा LPG का टैंकर बिजली का खंभा तोड़ते हुए पलट गया, टैंकर में 20,000 लीटर LPG थी। धीरेंद्र शास्त्री को प्रयागराज में कार्यक्रम की अनुमति नहीं, बागेश्वर धाम सरकार का दरबार नहीं सच पाएगा, माघ मेले में जुटनी थी लाखों की भीड़। जी हां, पंडित धीरेंद्र शास्त्री प्रयागराज में बागेश्वर धाम सरकार का दरबार नहीं सजा पाएंगे। प्रयागराज प्रशासन ने मेला में उन्हें दरबार लगाने की अनुमति नहीं दी। वहीं 1 फरवरी को वह संगम के पास सतुआ बाबा के शिविर में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट, जुमे की नमाज और स्वीडन की घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस और PSC तैनात। जी हां, जुमे की नमाज और स्वीडन की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस व PSC बल को तैनात किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए कई थानों की पुलिस को भी लगाया गया है। बता दें कि जनपद संभल की सदर कोतवाली संभल क्षेत्र में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आज अलर्ट दिख रही है, क्योंकि आज शुक्रवार की जुमे की नमाज अदा की जा रही है।
मोरबी पुल मामला 1262 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, ओरवा ग्रुप के जयसुख पटेल को बनाया गया आरोपी। जी हां, गुजरात के मोरबी पुल वाले मामले में करीब 3 महीनों के अंदर ही 1262 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल 30 अक्टूबर 2022 को हुए इस हादसे में 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई अन्य घायल भी हुए थे। चार्जशीट में आरोपी के तौर पर ओरवा ग्रुप के जयसुख पटेल का नाम शामिल किया गया है। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लें।